टॉपिक चल रहा है, इसमें हम निकाला रिजल्टेंट फोर्स, रिसोल्यूशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स पैरेलल फोर्सेस के लिए। हमारे पास ये क्वेश्चन है, टू अनलाइक पैरेलल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 400 न्यूटन एंड 100 न्यूटन आर एक्टिंग इन सच अ वे दैट देयर लाइंस ऑफ एक्शन आर 150 mm अपार्ट। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड द पॉइंट एट विच इट एक्ट्स। आपको एक दो अनलाइक पैरेलल फोर्स दिए हुए हैं 400 न्यूटन और 100 न्यूटन, और इसका जो बीम की जो लंबाई हमारे पास है यह है 150 mm। तब ये क्वेश्चन दिया और डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम हमारे पास ए बी हमारे पास बीम है जिसकी टोटल लेंथ है 150 mm। इसमें हमारे पास दो अनलाइक पैरेलल फोर्स हैं, एक लाइक पैरेलल फोर्स होता है, लाइक पैरेलल फोर्स मतलब होता है जो दो बराबर डायरेक्शन में समान डायरेक्शन में अगर हमारे पास लोड लग रहे हैं तो वो लाइक पैरेलल, और दो एक अपोज एक दूसरे से अपोजिट फोर्स लग रहा है तो अनलाइक फोर्स होगा। हमारे पास अनलाइक फोर्स है तो एक नीचे लगेगा एक ऊपर फोर्स लगेगा। तो एक पहला वाला जो है ए पॉइंट पर रहेगा 400 न्यूटन, ये पहले दिया है, और सेकंड दिया है बी पॉइंट पर लगेगा तो 100 न्यूटन। तो आपको इसमें दिया टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, मतलब ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, मतलब हमारे पास दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। एक हमको ए पॉइंट पर लग रहा है 400 न्यूटन, बी पॉइंट पर लग रहा है 100 न्यूटन। सी पॉइंट हमारे पास टोटल लेंथ है 150 mm, और सी पॉइंट पे हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है आर, जो कि डायमेंशन है एक्स डायमेंशन। हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो आर निकालेंगे टोटल रिएक्शन। तो सिंस द गिवन फोर्स आर अनलाइक एंड पैरेलल देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, तो आ जाएगा आर इक्वल टू 400, ये और ये अपोजिट है तो हमारे पास आ जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन होता तो दोनों फोर्स हमारे पास जुड़ जाते हैं, अपोजिट फोर्स है तो 400 माइनस 100 हो जाएगा, तो 400 माइनस 100 हो जाएगा 300 न्यूटन, ये आ जाएगा हमारे पास आर। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास जितने फोर्स हैं उसको आर इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस 100, ये हो जाएगा। अगर हमारे पास ये लाइक पैरेलल फोर्स होता तो जुड़ जाते, लेकिन अनलाइक है, एक अपोजिट है, एक दोनों अपोजिट है आपस में फोर्स, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो 400 माइनस 100 इक्वल 300 न्यूटन, ये अगर रिजल्टेंट। इसके बाद पॉइंट निकालना है, पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स एक्स, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लग रहा है उसका पॉइंट निकालना। तो पॉइंट के लिए हम डिनोट करेंगे किसके लिए, एक्स के द्वारा, एक्स हम डायमेंशन मापेंगे, जहाँ पर एक्स आएगा उतने डायमेंशन पर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। तो एक्स इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड ए इन मिलीमीटर। नाउ टेकिंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट ए एंड इक्वेटिंग द सेम। आपको एक पॉइंट के अबाउट हमको क्या निकालना है, इसका ए पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है, इसमें मूवमेंट निकालना है। हमारे पास आ जाएगा आर, हमारे पास आया 300 न्यूटन, तो पहला हमारे पास फोर्स लग रहा आर, उसके बाद हमको लेना है 100, इसको छोड़ देना क्योंकि ए पॉइंट के अबाउट लेना है, तो हमारे 400 न्यूटन का लोड छोड़ देंगे। तो हमारे पास इसके बाद हमारे पास ये आर निकालेंगे और ये आ जाएगा, तो आर इंटू एक्स, मतलब आर इंटू एक्स आ जाएगा ये, तो आर है 300 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू टोटल लेंथ, एक अबाउट ले रहा तो एक अबाउट ये आ जाएगी, तो 100 इंटू 150, 300 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 150, तो 100 इंटू 150 निकालें तो आ जाएगा 15,000, एक्स इक्वल हो जाएगा 15,000 अपॉन 300, तो ये हो जाएगा 50 mm। इस टाइप से इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाला जाएगा, पॉइंट निकाला जाएगा कि इस पॉइंट पर हमारे पास इतना डायमेंशन के पॉइंट पर जितना हमारे पास एक्स निकला उस डायमेंशन पॉइंट पर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करना है। आपको दो अनलाइक पैरेलल फोर्स दिए हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्स का मतलब होता है अपोजिट एक दूसरे, और इसमें हमारे पास 400 न्यूटन और 100 न्यूटन दिया हुआ लोड, इसमें हम और इसका जो लेंथ है वो है 150 mm, और इसका हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और इसका हमको पॉइंट निकालना, किस पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, ए बी जो बीम की लंबाई है 150 mm, एक ए पॉइंट पर लग रहा है 400 न्यूटन, बी पॉइंट पर लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। हमारे पास एक्स मान के चलेंगे सी पॉइंट पर, जहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो आर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 300 न्यूटन। पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स, मतलब एक्स डायमेंशन पर पॉइंट निकलेगा रिजल्टेंट फोर्स का, तो आ जाएगा हमारे पास पहला फोर्स, मतलब हमारे पास ये रिजल्टेंट फोर्स आर इंटू एक्स, 300 इंटू एक्स इक्वल टू ये लोड है हमारे पास 100 इंटू टोटल लेंथ यहाँ से, तो 100 इंटू 150 15,000 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 15,000 अपॉन 300, ये हो जाएगा 50 mm। इस टाइप से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, आ यूनिफॉर्म बीम ए बी ऑफ वेट 100 न्यूटन एंड 6 मीटर लॉन्ग हैड टू बॉडीज ऑफ वेट 60 न्यूटन एंड 80 न्यूटन सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स टू एंड्स आर एज शोन इन फिगर। आपको डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में,
ए बी सी डी आपको ये पॉइंट दिए हुए डायग्राम, इसमें आपको दिया हुआ है एक यूनिफॉर्म बीम ए और बी है, ए बी है, ए बी हमारे पास यूनिफॉर्म बीम है। इस पे हमारे पास 100 न्यूटन का लोड लग रहा है, 6 मीटर टोटल लेंथ है जो बीम की लंबाई है वो 6 मीटर की है, और जो सेंटर में लोड लग रहा है हमारे पास वो 100 न्यूटन का लोड लग रहा है सी पॉइंट पर। इसके बाद 106 मीटर की है तो मतलब 3-3 मीटर के बीच का लग रहा है सी पॉइंट पर 100 न्यूटन। इसके बाद हमको दोनों एंड पॉइंट पर एक 60 न्यूटन एक 80 न्यूटन दिया हुआ है, तो एक 60 न्यूटन ए पॉइंट पर लग रहा है, बी पॉइंट पर 80 न्यूटन लग रहा है लोड, ठीक है। अब इसमें हमारे पास फाइंड एनालिटिकली एट विच वाट पॉइंट द बीम शुड बी सपोर्टेड सो दैट इट मे रॉड हॉरिजॉन्टली, हमारे पास जो फोर्स लग रहा है इस पर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको इसके लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास बी पॉइंट के अबाउट हमको हमारे पास ये डी पॉइंट पे हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है आर, ये 100 न्यूटन सेंटर पे, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, और ये ए पॉइंट पे लग रहा है 60 न्यूटन, बी पॉइंट पे लग रहा है 80 न्यूटन, सेंटर में लग रहा है 100 न्यूटन। गिवन दिया हुआ हमको वेट ऑफ रॉड ए बी इक्वल टू 100 न्यूटन, रॉड की जो वजन है वो हमको दिया 100 न्यूटन, ये दिया हुआ वेट ऑफ रॉड ए बी 100 न्यूटन, लेंथ ऑफ रॉड ए बी इक्वल टू 6 एम एम, रॉड की जो लंबाई है पूरी है 6 एम एम, एंड वेट ऑफ द बॉडी सपोर्टेड एट ए एंड बी, ए और बी के में सपोर्टेड जो लोड लग रहा है वो है 60 न्यूटन और 80 न्यूटन, ये हमको गिवन दिया हुआ है। जो हमको बीम में दिख रहा है ये डायग्राम आपको बना हुआ है क्वेश्चन में, तो ये आपको जो दिख रहा है इसमें आप लिख सकते हो पूरा गिवन, एक वेट ऑफ रॉड ए बी की जो वजन है वो है 100 न्यूटन का, और लेंथ ऑफ रॉड है 6 मीटर पूरा, और वेट ऑफ बॉडी सपोर्टेड ए और बी पर 60 न्यूटन और 80 न्यूटन। एक्स हम लेना है डिस्टेंस बिटवीन बी एंड द पॉइंट वेयर द बीम शुड बी सपोर्टेड, जो हमारे पास बी पॉइंट पे हमारे पास सपोर्टेड लग रहा है उसके वहाँ यहाँ से हमको एक्स डायमेंशन डिस्टेंस लेना है। सो हमारे पास यहाँ जाएगा, नाउ टेकिंग मोमेंट्स ऑफ द वेट अबाउट डी एंड इक्वेटिंग द सेम, डी के अबाउट हमको मोमेंट लेना है, जब डी के अबाउट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पहले ये फोर्स लग रहा है हमारे पास बी पॉइंट पे, इसके बाद हमारे पास ये 60 न्यूटन का लग रहा है, इसके बाद 100 न्यूटन, जितने लोड लग रहा है उसके उसका और उस पॉइंट से हमारे पास डायमेंशन लेना। सबसे पहले हम 80 के अबाउट लेंगे, यहाँ डी के अबाउट लेगा तो 80 इंटू एक्स ये हो जाएगा 80 इंटू ये एक्स इक्वल टू 60 इंटू 6 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 इंटू 6 माइनस एक्स प्लस 100 इंटू 3 माइनस एक्स हो जाएगा, 3 में से एक्स को माइनस कर दें तो ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ का डायमेंशन, यहाँ से इसका डायमेंशन ए से डी का आएगा और सी से डी का डायमेंशन आएगा, और यहाँ से आएगा आपका बी से डी का डायमेंशन, तो बी से डी का डायमेंशन आएगा तो 80 इंटू एक्स इक्वल टू 60 इंटू 6 माइनस एक्स प्लस 100 इंटू 3 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 360 माइनस 60x प्लस 300 माइनस 100x, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 660 माइनस 160x, इसको x x को सेपरेट कर दोगे तो 240x इक्वल टू 660x इक्वल टू हो जाएगा, इसका डिवाइड कर दोगे 660 अपन 240 2.75 mm, द 2.75 mm के डायमेंशन पे आपका रिजल्टिंग फोर्स लगेगा जो डी पॉइंट पे लग रहा है। ये ऐसे टाइप से क्वेश्चन करना, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको लाइक अनलाइक की बात हो, अगर अनलाइक फोर्स दिया हो तो आपको एक दूसरे का अपोजिट फोर्स लगना है, और अगर लाइक फोर्स दिया हो तो आपको एक दूसरे के सामने रखना है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स को रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बीम है ए बी जिसका वजन है 100 न्यूटन का, उसकी लंबाई है 6 मीटर की, और इसमें जो आपको वेट सपोर्ट दिए हुए हैं वो 160 न्यूटन और 80 न्यूटन दिया हुआ है, और ये डायग्राम आपको बना हुआ है, एक बीम का डायग्राम है ए बी सी डी पॉइंट है, ए पॉइंट पर लग रहा है 60 न्यूटन, बी पॉइंट पर लग रहा है 80 न्यूटन, सी पॉइंट पर लग रहा है 100 न्यूटन, डी पॉइंट पर यहाँ सपोर्ट लग रहा है, यहाँ इसका डायमेंशन है एक्स, ये टोटल लंबाई है 6 मीटर, तो हमारे पास यहाँ पर 3 मीटर और ये 3 मीटर आ जाएगा। इसमें हमको आपको निकालना है, इसमें रॉड का पॉइंट निकालना है, वेट ऑफ द बॉडी ए बी इक्वल टू 100 न्यूटन, लेंथ ऑफ रॉड ए बी इक्वल टू 6 एम एम, एंड वेट ऑफ द बॉडी ए एंड बी 60 न्यूटन 80 न्यूटन, एक्स डिस्टेंस लेना है हमको बी पॉइंट से, और इसका मोमेंट निकालेंगे डी के अबाउट, तो हमारे पास आ जाएगा डी के अबाउट अगर निकालेंगे तो जितने डी को बस डी का लोड को छोड़ करके बाकी जितने लोड है सभी को लेना है, और उस डी पॉइंट के यहाँ से डायमेंशन लेना है। जैसे बी पॉइंट पे जो लोड लग रहा है इसको लोगे तो अगर आपको बी और डी के बीच का डायमेंशन लेना पड़ेगा, ए पॉइंट पे लोड लग रहा है इसको अगर लोगे अगर आप तो ए और डी के बीच का डायमेंशन लेना पड़ेगा, सी पॉइंट पे लोड लग रहा है उसको लोगे अगर तो इसके सी और डी के बीच में डायमेंशन लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो पहले हमारे पास 80 इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू 60
इंटू सिक्स माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स एक्स माइनस हो जाएगा सिक्स में से, तो फिर प्लस हंड्रेड इंटू थ्री माइनस एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो हमारे पास 2.75 mm मीटर आ जाएगा फर्स्ट आंसर।